जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने एक पंपलेट जारी किया है। इस पंपलेट में पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर उस क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधियों को क्या कदम उठाने चाहिए तथा वे किस प्रकार मरीज की मदद कर सकते हैं, ये सभी दिशा निर्देश पंपलेट में शामिल किए गए हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए अन्य लोगों का ब्यौरा प्राप्त करना, माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में सभी नियमों की अनुपालना के लिए सहयोग करना, लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना तथा कोरोना से संबंधित अन्य सावधानियों के प्रति आम लोगों को जागरूक करना और अन्य दिशा निर्देशों का जिक्र भी इस पंपलेट में किया गया है। उपायुक्त देवश्वेता पनिक ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने में पंचायत जनप्रतिनिधि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने पंचायत जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए पंपलेट प्रकाशित किए हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड का सेकेंड वेव जो है काफी घातक रूप जो है वो धारण कर चुका है हमारे पूरे देश में, और हिमाचल में और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी काफी ज्यादा केसेस जो हैं वो आ रहे हैं और पहले वेव से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो इसके चलते हमें जो है ये महसूस बहुत ज्यादा हो रही है कि हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो वैसे भी बहुत साथ निभाते हैं और हमारे अलग अलग जो कोविड से रिलेटेड कार्यक्रम है, जागरूकता अभियान है या फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग वगैरह में हम लोगों के साथ साझेदारी में काम करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी हाल ही में नव निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी सभी जिले में आए हैं, तो इसीलिए सबकी जागरूकता के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी ये आदेश किए गए थे कि पंचायत प्रतिनिधियों को हर सारी जो है एक्टिविटीज में और कोविड के स्टेप्स में जो है इन्वॉल्वमेंट उनकी सुनिश्चित की जाए। इसके चलते हमने एक हैंडआउट, एक रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बनाए थे, जिनमें हमने मोटे तौर पे आप कोई भी अगर पंचायत प्रतिनिधि हूं मैं, तो मेरे पंचायत में अगर कोई पॉजिटिव आता है बंदा और मुझे उसकी सूचना मिलती है तो मुझे सबसे पहले क्या करना है। तो उदाहरण के तौर पे कि सबसे पहले हम उनसे टेलीफोनिकली संपर्क स्थापित करें उस परिवार से और उस व्यक्ति से, उनको हौसला दें, उनको अकेला महसूस ना करने दें। साथ में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो है हम हेल्थ विभाग की मदद करें कि पिछले चार पांच दिनों में वो किन लोगों से मिला था, ताकि उनको भी आइसोलेट करके सैंपल्स लिए जाएं। इसी के चलते कई बार हमने देखा है और मैं पहले भी बता चुकी हूं ये कि कई बार फील्ड में जो है हमारे टीम्स को सैंपलिंग लेने में, लोगों के टेस्टिंग करने में कई बार दिक्कत आती है, लोग मना करते हैं या उसमें जो है कुछ इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो उसमें भी जो है लोकल प्रतिनिधि का बहुत अहम रोल रहता है, जहाँ पे वो हमारी टीम्स की मदद करते हैं और लोगों को समझाने में जो है काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की चीजों को हमने उस पैम्फलेट में लिखा है। ये ऐसी वही चीजें हैं जो हम बार बार कहते हैं, लेकिन पंचायत की प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने तुरंत क्या क्या चीजें करनी है, कई बार हम लोग इन्फॉर्मेशन के अभाव से या कंफ्यूजन या पैनिक में जो है चीजें मिस कर जाते हैं, और कोविड की कड़ी को और संक्रमण को रोकने के लिए वो चीजें बहुत अहम होती हैं। इसीलिए हमने 15 अप्रैल को ही जो है पैम्फलेट जो है या हैंडआउट कहें उसको हमने तैयार कर लिया था, और माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय को भी वो उसकी एक हमने प्रति जो है सौंपी थी, और साथ में हमने कल जो है व्यापक रूप में उसका प्रचार भी कर दिया है, और व्हाट्सएप, फेसबुक और फिजिकल फॉर्म में भी हम हर पंचायत में वो भेज रहे हैं। और हाल ही में नव निर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों की पूरे जिला भर में ट्रेनिंग्स हुई थी पिछले 1-1.5 महीने में, और हर पंचायत को बाकी अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पंचायती राज एक्ट के तहत, उसके साथ साथ आजकल क्योंकि कोविड का जमाना चला हुआ है तो कोविड के तहत भी जो है उनको सेंसिटाइज और उनकी भूमिकाओं के बारे में उनको बताया गया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जैसे हमेशा हमें उनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन मिलती आई है, हमारे चाहे प्रधान्स हो, उप्रधान्स, वार्ड मेंबर्स, जिला परिषद, बीडीसी मेंबर्स, सभी की काफी अहम भूमिका रही है अब तक, और अब सेकेंड वेव में भी जो है हमारी पूरी जो है कोऑपरेशन हमें उनकी मिले और हम साथ में जो है इस कोविड के दौर को जो है पार कर पाएं।